मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शंकरपुर स्थित आईटीसी कॉलोनी में छापेमारी कर AK-47 मामले के मुख्य आरोपी मंजर आलम उर्फ मांझी के भगना सराफा आलम को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को आरोपी के घर से 438 कारतूस की गोलियां बरामद हुई हैं। इसके पास से 438 गोली बरामद हुई है, जिसमें 9mm और 7.65mm की गोली है। और जांच में सामने आया है कि ये AK-47 केस में कुख्यात तस्कर है मंजर आलम, जो जेल गया है, उसका ये रिश्तेदार भी है। और ये गोली उसके पास मंजर आलम ने ही रखवाई थी, जिसमें से कुछ गोली इसने बेच दी है और कुछ गोली हम लोग बरामद कर पाए हैं। और ये भी जांच में बात सामने आई है कि 2014 में दिल्ली पुलिस ने एक AK-47 रिकवर किया था, जिसमें ये इस केस में भी जेल गया था मंजर आलम के साथ में। तो जांच से पता चला है कि ये मंजर आलम के कारोबार को देखता था, उसका मैनेजर का काम करता था उस टाइम से। सर, क्या मुंगेर में भी कभी जेल गया सर ये? अभी ये अनुसंधान में सामने आएगा, अभी तक की जाँच में हम लोगों को अभी तक कोई केस मिला नहीं है। बता दें कि सरफराज अपनी मामा मंजर के साथ साल 2014 में दिल्ली में AK-47 की बरामदगी मामले जेल जा चुका है। सरफराज मुंगेर में पुरबसराय इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है। पुलिस को शक है कि उस दुकान में मंजर का भी पैसा लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट।